अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? शुरू करते हैं आज का वीलॉग। आज हम फिर जा रहे हैं शाहजेब लोगों के स्कूल, क्योंकि मीटिंग थी उनके साथ, उनका कोई एग्जीबिशन होना था और वहाँ पे हम लोगों को उन्होंने इनवाइट किया। तो आज हम फिर जा रहे हैं दोबारा शेबी लोगों के स्कूल में। तो आज के वीलॉग में बाकी डिटेल आपको फरिया बताएगी, ठीक है, इसने आज क्या क्या करना है, कहाँ पर जाना है। आज सुबह मेरे साथ तो एक बहुत अजीब वाक्या हो गया। सुबह मुझे फ़ोन आ गया काम से कि काम पे आना है। काम पे गया तो आगे दूसरा कोलीग आया हुआ था, फिर मुझे वापस जाना पड़ा, ठीक है। सुबह सुबह मुझे खाली पेट 100 किलोमीटर गाड़ी चलानी पड़ी। वेरी बैड। अब आगे आपको फ्री बताएंगे। आज का दिन हमारा बहुत ज़्यादा बिजी होने वाला है, ठीक है। आज ढेर काम है और दिन छोटा लग रहा है। शाम तक देखिए हमारा क्या हाल होता है। आज ये प्रोजेक्ट है जो शाहजेब लोगों ने बताए थे, अभी सारे के सारे वो दिखा रहे हैं। मैंने कहा चले आपको वो दिखाते हैं। ये एक दरख्त के साथ इन्होंने पेंटिंग की हुई है, और इसमें से कौन सा शाहजेब ने बनाया है? ये शाहजेब ने बनाया है। ये स्कूल में शाहजेब की चीज़ें रखने के लिए, और ये भी शाहजेब ने बनाया है। बाकी बच्चों की भी है पेंटिंग्स, सबकी डिफरेंट डिफरेंट, और ये वाली शाहजेब ने बनाई है। चलिए तो माशाल्लाह मेरे बच्चे ने बहुत अच्छी पेंटिंग की। ये वाली पेंटिंग भी शाहजेब ने बनाई है। ये सारे बच्चों की है, लेकिन इसमें से ये वाली लास्ट वाली शाहजेब ने बनाई है। शेबी आपने कौन सी वाली पेंटिंग बनाई है? ये वाली कितनी अच्छी बनाई मेरे बेबी ने, है क्या किया? पेंटूरा किया है। ओके, ये बाकी बच्चों ने बनाई है और ये लास्ट वाली मेरे शाहजेब ने बनाई है। ये इन बच्चों ने मुख्तलिफ इनका प्रोजेक्ट थे, तो आज इन्होंने हमें बुलाया था कि इनका प्रोजेक्ट कम्प्लीट हो गया है। तो आए माँ बाप आके देखे, इसमें से भी शाहजेब ने एक बनाई हुई है। ये ओरिजिनल है और ये इन बच्चों ने बनाया है। एक सालों में बहुत ही ज़बरदस्त मेहनत की है इनके टीचर्स ने इनके ऊपर, बहुत ज़बरदस्त। ये खूबसूरत कलरफुल क्लास है इनका, देखते डिफरेंट प्रोजेक्ट। ये है शाहजेब और पापा बातें कर रहे हैं आपस में, और ये है जानजेब। चले जी, विजिट हो गया बच्चों के स्कूल का, और बच्चे थोड़े से हो गए थे इमोशनल, वो चाहते थे हमारे साथ वापस आ जाए, तो ऐसा तो हो नहीं सकता था, रोना शुरू हो गए। तो बड़ी मुश्किल से हम भी छोड़ कर आए और वो भी बड़ी मुश्किल से वहाँ ठहरे। शाम तक का वेट है अब उनको लाने का, और उसके बाद आज हमारा एक प्लान है पप्पो के घर जाने का। उन्हें हमें बताया, हमने उन्हें बताया तो वो थोड़ा सा ठीक हुए, तो फिर अब मिलते हैं नेक्स्ट काम पे कि हमने क्या करना है उनके साथ। चलें जी, वेलकम है मेरे किचन में, और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आज हमने कहीं जाना है, तो आज हमने जाना है, मैं आपको बताती हूँ, फूफो के घर पे। 3-4 दिन के लिए बच्चों की छुट्टियाँ आ गई हैं, तो दादू रात को आई थी, तो दादू ने अभी वापस जाना था आज, तो हमने कहा हम भी साथ ही चलते हैं, 3-4 दिन वहाँ पे सारे इकट्ठे गुजारते हैं, फिर हम आ जाएंगे जब छुट्टियाँ ख़त्म होंगी। तो इसलिए फिर मुझे 2-3 खाने बना के रखने हैं हुरम और अली के लिए, तो मैंने कहा चलें आपके साथ शेयर भी करते हैं और आपको बताते हैं कि ये मैं आज क्या बनाने वाली हूँ और कैसे बनाने वाली। तो सबसे पहले जो मैंने बनाना है वो है दाल, और ये 3 दालें हैं, इसमें है चने की दाल, मसूर की दाल और मूंग की दाल। ये मैंने मूंग और मसूर तो तकरीबन बराबर बराबर ली है, और चने की दाल थोड़ी सी ली है 2 से 3 चम्मच, और इन्हें मैंने 2-3 घंटे भिगो दिया था, और अब इसको पकाने का टाइम है। और बाकी इंग्रेडिएंट्स वो ये हैं, एक टमाटर है, एक प्याज है, लहसुन अदरक है, हरी मिर्च है, नमक है, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, ये धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर और गरम मसाला पाउडर और ऑयल। तो चलें शुरू करते हैं मज़ेदार सी दाल पकाना, और आज मैं आपको बताने वाली हूँ ये कैसे पकती है। सबसे पहले कुकर में मैंने दाल डाल के, और जितना मुझे इसमें पानी ऐड करना था वो मैंने ऐड कर दिया,
और इसमें अब बाकी सारे मसाले जो ड्राई मसाले हैं और प्याज लहसुन अदरक भी सब इकट्ठा डाल के कुकर बंद कर देंगे और उसको ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट तक पकाएंगे। अब मैंने इसमें टमाटर लहसुन अदरक और ड्राई मसाले सब ऐड कर दिए। हरी मिर्च नहीं अभी ऐड की, वो तड़के में ऐड करूँगी और इसको मैं तकरीबन 15 मिनट तक पकाऊँगी और फिर इसके बाद आपको दिखाती हूँ कि ये कैसी पकी दाल मेरी। दाल मेरी इधर रेडी हो गई है बिल्कुल। अब बस इसका मैं चूल्हा बंद करने लगी हूँ, जितनी मुझे इस पर थिकनेस रखनी थी मैंने बस रख ली है और अब इसको तड़का लगाएंगे। इसका मेन जो है ना चीज़ इसका तड़का है जिससे इसकी खूबसूरती निकल के आएगी। ये और इधर मैंने एक पैन में ढेर सारा ऑयल डाल लिया है और उसमें मैंने 2 से 3 जवे लहसुन के डाले हैं और अब इसको गोल्डन होने तक पकाएंगे। और जब ये गोल्डन हो जाएगा तो इसमें बस 1 चम्मच साबुत जीरा डालना है और हरी मिर्च डालनी है और आपका तड़का रेडी। देखिए जी तड़का बिल्कुल रेडी हो गया है। इस तरीके से गोल्डन लहसुन और जीरा डाल के आप मुझे से तड़का लगाएं और अभी हम इसके दाल में डालते हैं और प्रेशर देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी दाल की शक्ल तड़का लगने से बिल्कुल ही चेंज हो गई है और खूबसूरत सी दाल मेरी तैयार हो गई है। और दूसरी डिश जो मैंने बनानी है वो मैं अभी आपके साथ शेयर करती हूँ। एक मेरी पक गई है डिश। ये देखें जी धनिया और तड़का लगने के बाद दाल की शक्ल ही बदल गई है और इतनी टेस्टी बनी है कि बस। तो बहुत ही इजी सी रेसिपी होती है, लाइट सी, ना कोई इसमें हैवी काम होता है कि ये करो वो करो, सिंपल सब कुछ डाल के मैंने मिक्स करके इसको कुकर में डाल के रख दिया था और उसके बाद तड़का लगा दिया तो कितनी को टेस्टी बन गई है। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें प्लीज़। बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको रेसिपीज़ और मेरी वीडियोज़ देखने को मिले। चलिए जी अब दूसरी रेसिपी का टाइम हो चुका है और अब दूसरी रेसिपी मेरे घर में बन रही है कीमा शिमला मिर्च। तो चलिए बनाते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं इस रेसिपी की भी कि कैसे बनती है। कीमा शिमला मिर्च बनाने के लिए सबसे पहले कीमा है मेरे पास 1 किलो। उसके बाद ये 5 से 6 शिमला मिर्च मैंने काट ली हैं। उसके बाद 2 प्याज हैं बड़े साइज़ के, 2 टमाटर हैं, लहसुन अदरक का पेस्ट है, मोटा मोटा काटा हुआ है, पेस्ट नहीं इसको कहेंगे, मोटा मोटा कुटा हुआ है, हरी मिर्च है, नमक, लाल मिर्च पाउडर, जीरा साबुत जीरा है, उसके अलावा हल्दी है और गरम मसालों में मैंने ये तेज़पात, दालचीनी, 2 लौंग और पिसा हुआ धनिया लिया है और ऑयल। सबसे पहले बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ के ऑयल डालेंगे और इसके बाद इसमें मैं कीमा, उसके बाद मैंने ये इसमें प्याज डाल दिए और अब इस प्याजों को थोड़ा सा मैं सौते करूँगी और उसके बाद उसमें कीमा ऐड करूँगी, कीमा और लहसुन अदरक का। अब मैंने इसमें सबसे पहले प्याज ऐड कर दिए हैं, अब प्याजों को सौते करके इसमें फिर मैं कीमा और लहसुन अदरक डाल के अच्छी तरीके से भूनूंगी, फिर उसके बाद बाकी का प्रोसेस। अब मैंने प्याज़ों में कीमा, लहसुन अदरक, दालचीनी, लौंग और बड़ी इलायची और तेज़पात डाल के अब इसको अच्छी तरीके से भूनूंगी, फिर इसमें बाकी मसाला जात और टमाटर ऐड करेंगे। कीमे को मैंने तकरीबन 15 मिनट भून लिया है, अब इसमें टमाटर और बाकी ड्राई मसाले ऐड करते हैं। अब मैंने इसमें टमाटर और मसाले ऐड कर दिए हैं। मसाले टमाटर मुझे लगा कम है तो मैंने 1 टमाटर और ऐड किया है, मतलब 3 टमाटर हो गया बड़े साइज़ की, क्योंकि कीमा ज़्यादा लग रहा था तो टमाटर मुझे कम लगे तो मैंने वो भी इसमें 1 टमाटर और ऐड कर दिया।
कीमा बहुत अच्छी तरीके से भुन चुका है। अब इसमें मैं शिमला मिर्च ऐड करूँगी और फिर इसको 10 से 15 मिनट तक पकाऊँगी और फिर इसमें हरा धनिया और हरी मिर्ची ऐड कर देंगे। बस इतना सही काम है। नहीं जी, तैयार हो गई है कीमा और शिमला मिर्च भी। आज ये दोनों डिशेज़ रेडी हो गई हैं और अब मेरा काम हो गया ख़त्म। अब बाकी ये खुद ही पकाते रहेंगे और खाते रहेंगे। 2 दिन से मैंने बना दी है। तो ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी आपको दोनों रेसिपी। चलें जी गाइस, हम जा रहे हैं पप्पू के घर और ये हम अभी यहाँ से अपने एरिया से निकल रहे हैं और 3-4 दिन का स्टे हमारा उधर और फिर बाकी वीलॉग्स आपको उधर से ही मिलेंगे। हम फूफू के घर पहुंच गए और सारे कजन्स मिलके उधम मचाया हुआ है बाहर, खा पी रहे हैं और मजे कर रहे हैं। और मैंने कहा चले मैं वीडियो का एंड करती हूँ। बहुत थका देने वाला दिन था आज का। खाने बनाने थे, पैकिंग करनी थी, उसके अलावा स्कूल गए थे, तो बस अब फुल थक चुके हैं। अब सोने का टाइम होने वाला है तो चले अल्लाह हाफिज़ करते हैं। इंशाल्लाह ताला कल मिलेंगे नए वीडियो नए व्लॉग के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरी हर वीडियो देखने को मिले। ओके, अल्लाह हाफिज़। ख़त्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।